हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम्स वाला। और ऑलरेडी हमने परसेंटेज की एक क्लास ले ली थी और ये इसकी सेकंड क्लास है। बात करते हैं इस सेकंड क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है। देती है का मतलब अगर किसी संख्या का 5 सही 3/2% अगर आप निकालोगे तो कितना आता है? 52 आता है। तो वो संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप प्रतिशत को। 5 सही 3/2 का मतलब कितना होता है? 13/2, और प्रतिशत में 100 कर दें तो 13/200 आएगा इसका आंसर, ठीक है। किसी संख्या का 13/200 किसके बराबर आता है? 52 के बराबर आता है। तो यहाँ पर वो संख्या निकाल लीजिए आप। 52 200 भाग में है, गुणा में, और 13 यहाँ पर 4 बार x की वैल्यू हो गई है 800। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 40% में किसी संख्या है, संख्या कितनी प्रतिशत होती है? देखिए 100% होती है। समझने वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन है। मैं समझा रहा हूँ आपको, अगला क्वेश्चन आप ऐसे कर दोगे जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है। किसी संख्या का 40% में 165 जोड़ दिया, 165 जोड़ दिया, तो परिणामी संख्या वही संख्या हो जाती है। तो 165 जोड़ोगे तो वो की वो संख्या आ जाएगी, मतलब संख्या तो 100% थी। तो अगर 40% में 165 जोड़ दिया आपने तो बिल्कुल 100 के 100, मतलब वो की वो संख्या आ गई। तो यहाँ पर अगर बात करें इनका अंतर कितना है, इनका अंतर देखिए 60% का अंतर था। पहले आपने 100 में से 60% को लिया है, तो ये 60% किसके बराबर हो गया? 165। भाई 40% में 165 जोड़ा तो वही संख्या आ गई, 100% में 60% जोड़ोगे तो भी वही संख्या आ गई। तो 165 60 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 165/60 कितना निकालना है आपको? वही संख्या, मतलब 100% निकालना है। 10 से 10, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 3 बार, 3 5 15, और 3 5 15 25 5 127, तो 275 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 1 से 80 तक के संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याएं संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 है? तो देखिए संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसी तरीके से 11, इसी तरीके से 21 31 41 51 61 71, और 81 नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें 80 तक, यहीं इसी लाइन में 80 आ जाएगा। आगे आपको जाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में केवल 80 तक लिया है। पहले तो टोटल संख्या देख लीजिए, टोटल संख्या आएंगी आपकी 80, ठीक है। 1 से लेकर 80 तक की 80 संख्या है। अब देखिए आप 1 और 9 इकाई का अंक कहाँ पर आ रहा है? एक तो देखिए ये आ रहा, एक ये आ रहा, एक यहाँ पर आएगा, एक ऐसे 19 में आएगा इकाई का अंक 9, एक 21, एक 29, एक 31, एक 39, 41 49 51 59 61 69 71 79, तो हर लाइन में 2 है। कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइन है, हर लाइन में 2 ऐसी संख्याएं हैं। तो टोटल मिला के संख्या कितनी हो गई? 16। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए 5 बार, और ये कट गया 20, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना गया? 20%। अब आपको ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, आपको तो केवल इतना ही निकालना है, 16/80, 16 संख्याएं टोटल 80, सॉल्व करोगे 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%। सीधा जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको भिन्न याद रखनी है, 1/1 100, 1/2 50, 1/3 33 से 1/3, 1/4 25 वाला आ गया, 1/5 20 वाला आ गया, इसी तरीके आपको सारी भिन्न याद रखनी है, आपको आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या और उसके 1/3 संख्या का अंतर कितना है? 520। मतलब एक संख्या x है और इसी संख्या का 1/3, मतलब 3 का भाग दे देंगे तभी तो 1/3 निकलेगा, और इनका अंतर निकालोगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, और अंतर कितना निकल के आता है? 520 निकल के आता है। क्लियर है कि नहीं? तो हमें उस संख्या का कितना निकालना है, उस संख्या का कितना निकालना है? 20% कितना होगा? तो यहाँ पर वैल्यू देखिए, 2x - x/3 बराबर वो 3x, 520 यहाँ पर 2x/3 बराबर 520, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 520 × 3/2, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? 20%, 20% का मैंने आपको बताया डायरेक्ट 1/5 आता है, 5 से गुणा, 5 × 10 तो 0 से कट जाएगा, 3 × 6 5 3 15 156। अब आप इसमें देखिए ये दोनों स्टेप गायब कर सकता है, कैसे कर सकता है? भाई एक संख्या है जिसका 1/3 हिस्सा
कम कर दिया जाए, मतलब अंतर निकालने का मतलब हो गया घटाना। तो एक तिहाई हिस्सा कम कर दिया, मतलब तीन में से एक हिस्सा कम कर दिया, तो कितने हिस्से बचे, दो हिस्से ही तो बचे। तो एक तिहाई कम करने पर संख्या में कितना बचेगा, दो तिहाई बचेगा। तीन हिस्से में से एक कम कर दिया तो दो बचा, कितने में से, तीन में से। तो यहां पर दो तिहाई का मतलब होता है दो बटे तीन, और ये दो बटे तीन किसके बराबर आ गया, 520। तो डायरेक्टली आप ये सारी स्टेप गायब करके यहां पर पहुंचोगे, तो थोड़ा सा टाइम आपका कम लगेगा, लेकिन जीडी में आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, काफी अच्छा टाइम मिलेगा। तो आपको बेसिक रूल क्लियर करना है, साथ में गलती नहीं करनी है, एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के एक चौथाई से 105 अधिक है। देखिए आप एक चौथाई मतलब एक्स, एक्स का 40% माइनस एक चौथाई बराबर 105, क्योंकि अंतर का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा में से कम घटाओगे तो अंतर ही तो निकल के आएगा। तो भाई 40% ये रहा, इसके एक चौथाई घटा दिया तो ये तो अधिक है, तो अंतर निकल के आ गया 105। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आप x की वैल्यू निकाल लेना, उसका 35% निकाल लेना। अगर आपको नहीं निकालना ऐसे, तो देखिए यहां पर कैसे निकालना है। एक तो ये बेसिक हो गया, बेसिक मैं करा नहीं रहा, पिछली क्लास में हमने बहुत सारे बेसिक किए हुए हैं, आपको ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। स्मार्ट तरीका ये है कि 40% तो दिया हुआ है, 40%, इसमें से क्या घटाना है, एक चौथाई, और एक चौथाई का मैंने आपको बताया था, एक चौथाई मतलब कितना प्रतिशत होता है, 25%, और ये अधिक है, कितना अधिक है, 105। तो अगर मैं इनका अंतर लूंगा तो 105 आएगा कि नहीं आएगा, और परसेंटेज में बात करें तो यहां पर 15% आ गया। तो 15% 105 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो गई, 105/15। निकालना कितना प्रतिशत है, 35%, तो 35 से गुणा कर दिया। क्लियर आई, 7 बार कितना, 7 बार कट गया, 35, 21 और 3 24। यहां पर ये आपका यहां पर 35% नहीं निकालना, यहां पर आपको निकालना है, यहां पर हमने गलती कर दी। हाँ ये दोबारा देख लेते हैं, 15% आपने 105 निकाला, क्या बोला है इसने, संख्या तथा संख्या के 35% का अंतर, संख्या थी 100% और इसका 35%, अंतर देखोगे आप तो अंतर कितने का निकल के आ रहा है, 65% का। तो 65% आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, 65% निकालने के लिए 105 किसके बराबर है, 15 के बराबर, निकालना कितना है, 65, ठीक है ना। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट दिया ये 7 बार, 35, 3, 42 और 3, 45, तो 555 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं इस क्वेश्चन को, संख्या के 40% और एक चौथाई का अंतर अगर बात करें, अधिक है 105, तो अंतर निकल के आएगा 105, ठीक है ना। एक चौथाई का मतलब होता है 1/4, मतलब 25%, तो 40% और 25% का अंतर 15%, 15% किसके बराबर हो गया, 105 के बराबर। संख्या कितनी थी, 100%, और इसका 35% का अंतर कितना निकालेंगे, 65%। तो 15% जब 105 के बराबर है, तो 65 कैसे निकालेंगे, 105/15 और नीचे गुणा कर देंगे किससे, 65 से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे हमने, ये जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ कैसे आपको नीचे कौन सा हर के स्थान पे कौन सा है, सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, आपने अगर रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे तो आपको ये रूल्स पता होंगे। चलिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से बात कर रहे हैं तो यह इसको हम 100% मान लेते हैं, और दो संख्याएं हैं वो, एक तो है 20% ज्यादा है किससे, तीसरी से, तो 100 से 20% ज्यादा मतलब 120% है, और दूसरी जो है वो 40% ज्यादा है, तो ये 140% हो गए। क्लियर है कि नहीं है, अगर आप इसका अनुपात निकालना चाह रहे हैं अनुपात निकाल सकते हैं, 6:7:5। क्वेश्चन है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 6:7, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 30 है, पहली और दूसरी का कितना प्रतिशत है, सिंपल है आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है,
अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी प्रतिशत है, उसी तरीके से आपको निकालना है। इस ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साजिया की आय रेहान की आय से 20% कम है, रेहान की आय साजिया की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। लास्ट की क्लास में मैंने आपको रूल बताया था, 1/1 100%, 1/2 50, 1/3 33 सही, 1/3, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही, ऐसा कुछ। यहां पर बोला है कि ये जो 20% तो दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है कि कितना अधिक होगा, तो यहां पर 20 से अधिक क्या है, 25%। आपको बिल्कुल राइट आंसर लगा देना बिना कुछ पढ़े हुए, ठीक है ना। बेसिक सॉल्यूशन कराना है, जिन्होंने कल की क्लास मिस कर दिया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये साजिया है, ये रेहान है, ठीक है ना, साजिया और रेहान है। अब इनके बारे में यह बताया गया है कि साजिया की आय रेहान की आय से 20% कम है, रेहान की आय मान लीजिए 100 है, तो साजिया की आय कितनी होगी, 80। अब ये कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, किससे, साजिया से, इनटू क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए 4 बार 4 से काटा 25, तो ऑप्शन नंबर डी। बेसिक और ट्रिक दोनों साथ साथ चल रही है, बस शर्त आपकी होनी चाहिए कि ये जो कम ज्यादा दे रखी है ना, ये इनमें से ही कोई ना कोई एक संख्या होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो जाता है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले तो रुपए में निकालिए, देखिए 45,000 से 48,150 हो गई है, तो 3,150 रुपए बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े। पहले की आय कितनी थी, 45,000, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लीजिए, 30 से आपका 30 कट गया, ठीक है। अभी इसको क्या करना है कि 15 से कट जाएगा, कि कट जाएगा, 15 3 45, 15 2 30 और 15 1 15, और इससे काटा 7 बार, तो वृद्धि कितनी हो गई, 7%। बहुत कम लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक परिवार की आय, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है, यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 रुपए है तो वार्षिक आय निकालनी है। देखिए अनुपात में बात करते हैं, 14:11 कमाता है, 11:11 खर्च करता है, बचाता कितने यूनिट है, यूनिट की बात कर रहे हैं, 14 यूनिट कमाता, 11 यूनिट खर्च करता, तो 3 यूनिट की बचत हो रही है कि नहीं हो रही, और रुपए में बात करें तो 13,500 रुपए की बचत हो रही है, तो ये 3 यूनिट 13,500 के बराबर हुई कि नहीं हुई। 1 यूनिट का मान निकालना है तो 3 का भाग। क्या पूछा है कि इसकी मासिक आय हमें ज्ञात करनी है, तो मासिक आय तो कितनी है, 14 यूनिट है, तो 14 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 और 5 0, इसको आप गुणा कर लीजिए, 00 यहाँ पर 56 और 7 कितने हो जाएंगे, 63, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमने जो है इस वाले डिस्काउंट वाले चैप्टर में भी पढ़े हुए, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर कोई रेगुलर क्लासेस ले रहा है तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने की जरूरत नहीं है, आप इजीली जो इनको क्वेश्चन कर लोगे आप अपने जो है प्रैक्टिस से ही। अमीबा अपनी आय का 16% बचाती है, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है, उसके व्यय में वृद्धि कितनी हुई वो निकालिए आप। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं कि भाई उसकी 100 रुपए उसकी आय थी, 100 पे कैलकुलेट करता है, ठीक है, और वो बचाती कितना थी, 16 रुपए बचाती थी, तो खर्च कितना कर देती थी, 100 में से 16 रुपए बचाती थी, तो 84 रुपए खर्च कर देती थी कि नहीं कर देती थी, ठीक बात है। नेक्स्ट जो आ गई है उसमें क्या किया कि 20% की वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई है, मतलब अब 100 से ना मिलकर उसकी आय कितनी हो गई, 20% की वृद्धि होने के बाद में 120 हो गई है, लेकिन अभी वह पहले की तरह ही बचत करती है, मतलब अभी भी वो 16 रुपए ही कमा रही है,
तो खर्चा कितना कर रही है, तो अब वो 104 रुपए खर्च कर रही है, 120 कमा रही है, 104 खर्च कर रही है, तभी तो 16 रुपए बच रहे। तो भाई पहले खर्चा 84 रुपए का था, अब कितना है, 104 रुपए का खर्चा है, तो खर्चे में वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 20 रुपए की वृद्धि हो गई। प्रतिशत में निकालने के लिए पहले कितना था, 84 इंटू क्या करेंगे 100, 5 से काटेंगे, सॉरी 4 से काटेंगे 5 बार, और ये कट गया 21 बार। 500 में आप 21 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 42, 8, 3, ठीक है, 3 बार गया तो 23 के लगभग ऑप्शन नंबर ए ही है, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको केवल समझने की बात है ये। पहले 100 कमाती थी हमने माना, 16 रुपए बचत तो 84 रुपए खर्च, 20% की वृद्धि कर दी आय में तो 100 की जगह 120 कमा रही है, फिर भी 16 रुपए बचा रही है, तो मतलब 104 रुपए खर्च कर रही है। अब वृद्धि कितने की हो गई, पहले 84 रुपए खर्च कर रही थी, अब 104, तो भाई 20 रुपए की वृद्धि कर ली। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए पहले की वृद्धि कितनी थी, खर्च कितना था, 84 इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती, दिख रहा है आपको, हाँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। मतलब ये जो 12,800 रुपए है वो किसके बराबर है, कटौती के बराबर तो है, कटौती मतलब कितने प्रतिशत, 60% के बराबर। राहुल द्वारा भुगतान किया गया कुल कर ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800 रुपए का भुगतान करना होता है। राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल कर कितना होगा, तो यहां पर इसको किससे गुणा कर देना है, 100 से। यहां पर थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज मेरे को गलत लग रही है, क्योंकि राहुल को वेतन के रूप में इतना भुगतान, राहुल को तो वेतन मिल रहा है, तो यहां पर भुगतान राहुल थोड़ी कर रहा है, राहुल को तो भुगतान किया जा रहा है, तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज यहां पर गलत है। चलिए कोई नहीं, आपको सॉल्यूशन देख लीजिए आप, 2 बार आप करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 18, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कोई सा आंसर नहीं आ रहा है, कोई सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा चेक करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी मेरे को गलती लग रही है, क्वेश्चन एक बार आपको मैं फिर से समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन इस हिसाब से जो आंसर निकल रहा है कि राहुल का जो वेतन है उसमें से 60% तो कट जाता है टैक्स के रूप में, और मिलता कितना उसको 40%, ठीक है ना, 100 में से 60% कट गया और 40% मिलता है। और अगर रुपए में बात करें तो टैक्स कटने के बाद, टैक्स कटने के बाद यहां पर दिया है कर के रूप में 12,800 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो यहां पर ये थोड़ी सी लैंग्वेज मेरे को गलत लगी, और आप ये जो ऑप्शन है वो इसको हिसाब से दिया हुआ है कि ये जो 12,800 रुपए है ये टैक्स के बाद में जो बचता है वो राशि है ये, ठीक है ना। तो 40% किसके बराबर हो गया भाई, वैसे परसेंटेज में देखा है 60 तो गया टैक्स में, 40 बचा उसके पास, और रुपए में देखा जाए तो 12,800, तो ये 12,800 है जो 40% के बराबर है। यहां पर हमें निकालना कुल आय, तो उसकी क्या निकाल देनी है, 100 से गुणा कर देना है, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, और यहां पर 32,000, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मेरे को लैंग्वेज मिस्टेक लगी, हालांकि चेक करेंगे देखिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेणु की आय का 30% बचत करती है, रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है, यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और वह यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और वह 25% बढ़ जाता है, तो रेणु की आय में हुई
प्रतिशत वृद्धि में ज्ञात करना है। अच्छा, पिछले जो एग्जाम था क्वेश्चन था उसमें हमें डायरेक्टली दे दिया था कि जो आय थी उसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो वृद्धि हो गई है तो खर्चों में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में हमने खर्चा और बचत बता दिया, लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि यह पूछा गया है कि भाई उसमें आय में जो है उसकी कितनी वृद्धि हुई थी वो आप हमें बताइए। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए रेणु की आय मान लेते हैं पहले थी 100 रुपए, जिसमें से 30 रुपए बचाती थी और 70 रुपए वो खर्च करती थी, ठीक है ना। ये एक्सपेंस हो गए उसकी, ये सेविंग हो गई और ये सैलरी हो गई, ठीक है ना, क्लियर है। अब उसकी कुछ ना कुछ वृद्धि हुई और वृद्धि होने से क्या फर्क पड़ा कि उसकी बचत में 30% की बढ़ गई, 30% उसकी बचत बढ़ गई। तो पहले 30 थी, अब इसका 30% निकाल लीजिए आप, 30 का 30% मतलब कितना, 9, तो 9 बढ़ गई। अब तो 9 बढ़ने के बाद में अब उसकी सेविंग कितनी हो गई, 39 हो गई। और खर्चे में भी कुछ फर्क पड़ा, कितना कि उसका खर्चा 25% बढ़ गया। तो पीछे 70 का 25% निकालोगे तो यहां पर 1/4 और यहां पर निकल के आएगा, यहां पर निकल के आएगा आपका 17.5 रुपए, इतना खर्चा बढ़ गया। तो अब उसका खर्चा कितना हो गया, 87.50। तो अब इसकी आय आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल भाई, 87.50 तो वो खर्च कर रही है और 39 रुपए वो बचा रही है, तो टोटल जोड़ दीजिए, उनकी आय निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर 5.6 और यहाँ पर 9 और 3 12, 126.05 उसकी प्रेजेंट टाइम में क्या है, सैलरी है। अब इसने पूछा है कि रेणु की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखिए बेस तो अपना 100 ही है, तो 100 में से आप जितनी वृद्धि हुई है तो वो ऑलरेडी परसेंटेज में आएगा। तो पहले 100 थी, अब 126.50 है, तो वृद्धि कितनी की हो गई, 26.5% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर इसको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति की आय 28% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 5% की कमी होती है तो उसकी बचत में x प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, x के निकटतम मान निकालिए। ये आपको सेम पैटर्न से करना है, ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं इसका सॉल्यूशन कर जो है नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, सेम पैटर्न पर यह क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरव की मासिक आय 20% अपने बच्चों पर बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, मतलब एजुकेशन पे वो कितना खर्च करता है, 20%। वह शेष राशि का 30%, शेष का, यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो केवल परसेंटेज परसेंटेज देता जाएगा कि भाई इनकम का 20% यहाँ, 20% यहाँ, 5% यहाँ खर्च कर दिया, एक तो वो हो गया, और एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि 20% यहाँ खर्च कर दिया, बाकी बची उसका इतना प्रतिशत यहाँ खर्च कर दिया और फिर जो बची उसका इतना प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या है कि जो खर्च करने के बाद में जो वैल्यू बन रही है उसका भी परसेंटेज निकाला जा रहा है, और पहली वाली जो मैंने कंडीशन बताई उसमें एक जो सैलरी थी उसके टुकड़े कर दिए गए थे, दोनों में ये अंतर है। तो यहां पर आपको समझना है, ठीक है, परसेंटेज मान लेते हैं कि भाई उसकी 100% इनकम है, यहां पर मैं इसको छोटा कर लेता हूं, बहुत ध्यान से समझना है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 100% है, इसमें से 20% तो क्या कर दिया उसने, एजुकेशन पे खर्च कर दिया, मतलब शिक्षा पर, ये लीजिए, बाकी बचा कितना, 80% बचा, भाई 20 तो खर्च कर दिया, 80 बचा। और अब बोलो देखिए ये क्या बोल रहा है, वह शेष राशि का मतलब 80 का 30% परिवहन पर, तो इसका 30% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 24 निकला, 24 किस पर, परिवहन पर खर्च कर दिया। तो 20 और 24 तो 80 में से 24 और खर्च कर दिए, तो 80 में से 24 घटा दीजिए आप, बाकी बचा कितना, 56, क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़िए। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का कितने प्रतिशत बची, 56, 50% किराए पर, तो 56 का 50% निकाल लीजिए, मतलब 1/2 से ही आप गुणा कर दीजिए,
ठीक है ना, 1/2 से गुणा कर दीजिए, 28 बचा। तो 28 किस पे खर्च कर दिया, किराए पर। अब बचा कितना, 56 में से 28 खर्च कर दिया, तो अब 28 बचे उसके पास। क्लियर है कि नहीं है? फिर देखिए, घर के रख रखाव में खर्च कर देता है, किराए और इसमें, ठीक है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता को भेज देता है। तो इसका भी 50% मतलब 14%। तो ये यहां पर कितने कांप को भेज दिया, माता पिता को भेज दिया, ठीक है। अब बचे कितने, 28 में से 14% और खर्च कर दिए, तो बचे 14% ही बचे। शेष बची राशि कितनी है, 11,200 रुपए। कितनी राशि है, 11,000, मतलब 14% किसके बराबर हो गया, 11,200 के बराबर। तो उसकी मासिक आय मतलब 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए ये 14% के बराबर है, 14 से गुणा 100 का भाग, ये लीजिए, ठीक है कि नहीं है, बात आ गई। 7 से काट दीजिए दो बार, 7 4200, ठीक है, ये कट गया, 3 8 3800 और 2 जीरो है ही। तो उसकी आय कितनी आ गई है, आय तो बहुत ज्यादा आ गई इसकी, कहीं ना कहीं गलती कर दी क्या हमने, एक बार दोबारा देखते हैं। 11,200 शेष बची राशि 11,200 की बचत करता है, तो यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 86% सही है यार। एक बार इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, हमने यहाँ पर इस कैलकुलेशन में गलती कर दी है, यहाँ पर ये हमने जल्दीबाजी में यहाँ पर गलती कर दी। देखिए, 7 इसको 2 से काट दीजिए आप, 2 से काटोगे 7 बार, ये 5, ये 6 और 7, 8, 56, 800, ठीक है ना, और ये 2 जीरो, तो टोटल इनकम उसकी 80,000 थी। हमने जल्दीबाजी में यहाँ पर 7 से काटा था और 2 लिख दिया था, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुशांत के पास में जो धनराशि धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से प्रत्येक को 18%। देखिए वहां पर भी, यहां पर भी शेष राशि कैलकुलेट हो रही है, तो यहां पर 100 मान के चलिए आप, ठीक है ना। देखिए 100 में से 30 तो किसको दे दिया, पत्नी को, वाइफ को, वाइफ को दे दिया है 30, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर बचा कितना, 70%। 70% में दोनों पुत्रों को शेष राशि जो बची है 70%, उसका कितना 18% दोनों बच्चों को दिया है, ठीक है। तो 70% का 18% निकाल लीजिए आप, 18/100, 1,0 से 1,0, 56, 7 और 5, 12, तो 12.5, एक को दिया 12.5, एक को दिया, भाई दो पुत्र है, 12.6, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब शेष बची राशि के 3/4 विविध मर्ज खर्चों में कर देता है। शेष कितना बचा, तो देखिए जोड़ लीजिए इसको, कितना खर्च कर दिया, 30, 40, 50, 50 और 5 कितने हो गए, 55.2 खर्च कर दिया। बचा कितना, 44.8 बचा। अब इसका कितना, 3/4 मतलब 3/4, क्लियर है, इसका निकालिए, 6, 3, 3, तो ये और खर्च कर दिया उसमें, किसमें, और खर्चों में। बची शेष राशि को कितनी बची उसकी, यहां पर बची उसकी 19,600। तो इसके सुशांत के पास में कुल कितनी राशि थी, तो अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, जोड़ने के बाद में जितना परसेंटेज बचता है उसको यहां पर रखिए, 100 से गुणा करिए। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आपको जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा वो यहां पर होगा कि कितने कितने में दे दी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और क्वेश्चन सॉल्यूशन कराना है, बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको यहां पर कर दिए, एक छोटे से कैलकुलेशन रही है उसको आप सॉल्व कर लेना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है, यदि उसके पास में अभी भी 400 रुपए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, शेष बची राशि का नहीं काम मिल गया, तो यहां पर आपको डायरेक्टली कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 35 भोजन पर, 55 कपड़ों पर, कितने खर्च कर दिए 90, बचे कितने 10, और ये 10% बच गए और कैलकुलेट करें तो 400 रुपए के बराबर है। तो टोटल मिलाकर कुल आय कितनी है, 10 का भाग 100 से गुणा तो 4000 रुपए उसकी टोटल आय। सिंपल सा क्वेश्चन है। उस वाले क्वेश्चन में आपको शेष राशि का खर्चा निकालना था, फिर घटाना था, फिर शेष राशि का परसेंटेज निकालना था, फिर घटाना था, और यहां पर आपको अगर शेष राशि नहीं दी होती है, डायरेक्टली आपको यही 100 में से हिसाब करना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से कम हो जाता है, 2 वर्ष उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट वाला चैप्टर है, देखिए पहले साल 10% कम, दूसरे साल 10% कम हो गया, तो टोटल मिलाकर अगर डिस्काउंट की बात करें या कमी की बात करें तो 19% हुआ कि नहीं हुआ। ए प्लस बी, 10 और 10 20 माइनस ए बी इंटू 100, तो 10 गुणा 10 बटे 100, तो यहाँ पर 19% की कमी हो गई कि नहीं हो गई। क्या पूछा, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा, तो पहले 100% था, अब उसका 19% कम हो गया, तो कितना प्रतिशत बचा, 81% बचा, तो 81% निकाल लीजिए। 84,000 गुणा 81 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो, और यहाँ पर बचेगा आपका 4, तो 40 ऑप्शन कहीं पे है, 2 में है, तो यहां पर ए और डी में से कोई ऑप्शन होगा, आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों, अगले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट क्लास हमारी होगी जिसमें हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहे। टेलीग्राम ग्रुप पे इसके प्रैक्टिस सेशन जो है, हम आपको नेक्स्ट क्लास जैसे ही होती है, क्लास ओवर के बाद में मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा।